हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडोहॉलिक। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भरवा मसाला भिंडी की रेसिपी। ये रेसिपी जो है वो बहुत इजी होगी, इसमें मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं यूज़ करी है, बहुत कम चीज़ें यूज़ करी है और बहुत टेस्टी होगी। आप लोग ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने लिया है वो है भिंडी। तो भिंडी को आप सबसे पहले अच्छे से धो लें। अब मैंने हाफ के जी भिंडी ली है। इसको धुलने के बाद आप इसको बिल्कुल अच्छे से ड्राई कर लें, या तो टिश्यू से साफ़ करें या कपड़े से किसी, और इसको बिल्कुल अच्छे से ड्राई करके ऐसे कट करना है। यहाँ पे मेरी जो भिंडी मैंने ली हुई थी वो थोड़ी लंबी थी, तो मैंने इसको ऐसे कट किया है, और इसके बीच में भी आप ऐसे स्लिट मार लें, हल्का सा और कट मार लें। ये कट इसलिए करना है ताकि हम इसके अंदर जो मसाला है उसको अच्छे से ये फिल हो जाए। ये पूरा कट नहीं करना है, बस हाफ कट करना है एक साइड से। अब हम इसके जो भरवा भिंडी का जो मसाला है अंदर जो फिलिंग होगी, उसके लिए मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए, ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है हल्दी 1/2 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, देन यहाँ पे मैंने लिया है सॉल्ट, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। देन मैंने यहाँ पे ऐड करा है 1 टीस्पून आमचूर का पाउडर, देन यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला लिया हुआ है, देन यहाँ पे थोड़ी सी एक पिंच जो है वो हींग डाली हुई है। इसके डालने से जो टेस्ट है वो और अच्छा हो जाता है। आपको हर खाने में हींग डालनी ही चाहिए। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो सॉल्ट है आप इसमें अपने अकॉर्डिंग डालिए, अगर कम और ठीक डालेंगे तो सॉल्ट सही टेस्ट करेगा भरवा भिंडी में। तो यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमारी भिंडी भी अच्छे से कट है, इसमें मैंने स्लिट्स भी मार दिए हैं, और यहाँ पे जो मसाला है वो बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार हो गया। आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई मसाला होना चाहिए। अब इसको हम इसमें फिल करेंगे। तो जो मैंने यहाँ पे स्लिट लगाई हुई है इसके बीच में, भिंडी के बीच में, इसमें हम इसको फिल इन करेंगे, इसको भर देंगे मसाले को। बहुत ज़्यादा नहीं भरना, जितना स्पेस है बस उतना हल्का सा इसे भर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं कैसे भर रही हूँ। तो ऐसे इसको भरना है सारा मसाला। यहाँ पे मैंने दूसरा लिया और दोबारा से मैं दिखा रही हूँ। इसे आप अच्छे से भर लीजिए, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं भरना है, बिल्कुल ठीक से जितना स्पेस उस पर दिया हुआ है काफ़ी होता है उत्ता मसाला एक भिंडी के लिए। तो यहाँ पे अब सारे मैंने जो भिंडी हैं वो अच्छे से मैंने जो मसाला है इसमें डाल दिया है, अच्छे से इसको मैंने भर दिया है। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा मसाला बच जाता है तो आप ऊपर से डाल लीजिएगा जब आप इसे कुक करेंगे, और अगर नहीं बचता है, वैसे बचता नहीं है, अगर बच जाएगा तो आप इसे ऊपर से डाल सकते हैं। बस मेक श्योर कि जो सॉल्ट है वो आप ज़्यादा ना डालें, क्योंकि भिंडी जो है वो अभी ज़्यादा दिख रही है पर बाद में कम हो जाएगी। तो चलिए अब इसको हम कुक करते हैं। यहाँ पे कुक करने के लिए मैंने एक पैन लिया हुआ है, आप कोई भी पैन ले सकते हैं। पहले मैं ये कहूँगी कि अगर आप नॉन स्टिक पैन लेते हैं तो उसमें जो भिंडी है वो स्टिक नहीं होगी। यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, अगेन मस्टर्ड ऑयल इसलिए क्योंकि मस्टर्ड ऑयल जो है उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाला है। ऑयल आप थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ करें, इससे जो भिंडी है वो अच्छे से कुक होगी। देन इसे हम अच्छे से हीट कर लेंगे, और जैसे ही मस्टर्ड ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं सारी जो भिंडी है वो डाल दूँगी। तो सारी भिंडी डालने के बाद मैं इसको ज़रा सा भी ऐसे एकदम से इसे हिलाना शुरू नहीं करूँगी, मिक्स करना शुरू नहीं करूँगी, क्योंकि पहले मैं इसे 1 मिनट तक ऐसे कुक होने दूँगी। फिर 1 मिनट बाद अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी, क्योंकि नीचे से थोड़ा सा ऑयल जो है वो उसे हल्का सा कुक कर देगा, तो मसाला जो है बाहर नहीं निकलता है। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसे 5 से 6 मिनट के बाद चेक करूंगी। तो
तो 5 to 6 मिनट बाद जब मैंने चेक करा तो आप देख सकते हैं जो ऑयल है वो अच्छे से भिंडी पे अच्छे से मिक्स हो गया है, और जो मसाला भी है वो भी अब कुक होने लग गया है, भिंडी भी हल्की हल्की सी कुक होने लग गई है। फिर हम इसे 5 से 6 या फिर आपको जितनी देर तक और कुक करना है, जब तक भिंडी पक ना जाए तब तक रखना है। तो आफ्टर 5 to 6 मिनट आप देख सकते हैं भिंडी बिल्कुल तैयार है। ये आप अपने अकॉर्डिंग, जब तक आपकी भिंडी नहीं पकती तब तक आपको ऐसा करना है। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बनेगी। आप देख सकते हैं मसाला जो है बिल्कुल अच्छे से फिल है, कोई बाहर मसाला नहीं गिरा हुआ है। सो या गाइस, ये थी मेरी मसाला भिंडी की रेसिपी। यहाँ पे मैंने मसाला भिंडी को राइस और दाल के साथ रखा हुआ है, और आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं और राइस के साथ भी खा सकते हैं। मैंने यहाँ पर राइस के साथ और दाल के साथ इसे सर्व करा है। सो गाइस, आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आप इसे ट्राई करें वो भी मुझे बताना। और अगर आपको ये रेसिपी सिंपल और अच्छी लगी हो प्लीज़ आप यू हिट द लाइक बटन, शेयर करें इसको अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली के साथ, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।